श्री राम मंदिर की तरफ से हार्दिक स्वागत। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा नवरात्रि का, बसंत नवरात्रि का आज प्रथम दिवस है। रामनवमी का आज प्रथम दिवस है। इन 9 दिनों तक मां भगवती की आराधना का, मां भगवती की उपासना का और भगवान श्री सीताराम जी के पूजन का अनन्य अनन्य फल है। जबकि संसार बड़े दुख की घड़ी से इस समय निकल रहा है, सभी का मन है कि सब आकर के भगवान का दर्शन करें, भगवान के पास आए, भगवान के पास जाकर के अपना वंदन करें, अपनी सेवा करें। लेकिन जीवन में एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि अपनी भक्ति कभी बंधनों में नहीं होनी चाहिए। हम भले ही भगवान के पास, सीताराम जी के पास नहीं आ पाए, नहीं बैठ पाए, लेकिन अपने हृदय में परमात्मा का दिव्य दर्शन सदैव करना है। इन 9 दिनों तक हम लोग संकल्प ले लिया अपने परिवार के साथ में बैठ करके, सीताराम जी को अपने घर पे ही बुला करके हम उनकी कथा का, उनका वंदन, उनका पूजन और उनकी कथा श्रवण करें। श्री सीताराम जी भगवान की। मैं सीताराम जी से प्रार्थना करता हूं, प्रभु विश्व अभी महामारी से निकल रहा है, विश्व अभी संकट से निकल रहा है, इस संकट में आकर के सभी जीवों का कल्याण, इस संकट में आकर के सभी को कृपा करें। नवरात्रि के प्रथम दिन में चैत्र शुक्ल प्रतिपदा का प्रभावी नाम संवत्सर आज से आरंभ हो रहा है, जिसको युगादि, उगादि आदि के नाम से भी जाना जाता है। वेदों आज के दिन से हम लोग अपने जीवन में कथा में बैठने से पहले एक संकल्प ले लें कि जिस भाव से हम भगवान के पास जाकर के जैसे एकांत भाव से भगवान की कथा को श्रवण करते हैं, उसी भाव से हम लोग अपने घर पर बैठ करके जब तक कथा चलेगी तब तक हम अपने आसन से उठेंगे। जब तक भगवान की कथा चलेगी, भगवान का भजन चलेगा, भगवान का चिंतन चलेगा, हम 9 दिनों तक अपने घर को ही मंदिर बना रहे, अपने घर को ही हम सीताराम जी का भवन बना रहे। ये भाव अपने हृदय में हमको सदैव बनाई रखना है। मां भगवती की उपासना इन दिनों में की जाती है, देश विदेशों में अपने अपने घर पर सभी लोग अखंड ज्योत प्रकट करके 9 दिनों तक आराधना करते हैं, मां भगवती की उपासना करते हैं। ये मन रूपी मंदिर में परमात्मा को बिठाने का सबसे सरल तरीका केवल एक ही है, हम लोग 9 दिनों तक अपने मन का एक संकल्प बना रहे, हमको 9 दिनों तक भगवान के लिए समर्पित रहना है। तुलसीदास जी महाराज ने रामचरित मानस का जब मानस की जब रचना करी ना, तो अपने मन में कभी ये भाव नहीं लाया कि मैं मानस की रचना कर रहा हूं, इस रचना से मेरे मन मेरा दुनिया में नाम हो, मेरा प्रकाश हो, मेरा यश हो।
स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाधि भासाय वक्र मति मंजुल माखनो स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाधि। अपने मन की शांति के लिए, अपने आत्म शांति के लिए, स्वांता सुखाय, अपने आत्म कल्याण के लिए बाबा तुलसी ने मानस की रचना की। चार घाट वेद रामचरित मानस में, चार घाटों पर मानस की कथा सुनाई गई, गाई गई और भगवान का यजन किया। कैलाश पर्वत में भगवान शंकर और मां भगवती भगवान ज्ञान धार बोलो शंकर भगवान। प्रयागराज में याज्ञवल्क्य जी महाराज भारद्वाज मुनि को सुना रहे हैं और नीलगिरी पर्वत पर काकभुसुंडर जी महाराज गरुड़ जी महाराज को राम कथा सुना रहे हैं और तुलसीदास जी महाराज बैठ करके संतों के साथ में स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा अपने आत्म सुख के लिए भक्ति में ओतप्रोत होकर के मानस की रचना करके मानस हो जाते हैं। सबसे पहले रामचरित मानस की रचना भगवान शंकर के हृदय में हुई। रचि महेश निज मानस राखा पाय सुसमय शिवासन राखा। रचि भगवान शंकर ने अपने हृदय में मानस की रचना कर, लेकिन भगवान ने कभी किसी को उसको दिखाया नहीं, किसी को सुनाया नहीं। क्यों? क्योंकि पात्र तो नहीं मिला कोई सुनाने वाला। जब तक जीवन में पात्रता नहीं आती ना, भगवान के दिए हुए कृपा रूपी प्रसाद से भी व्यक्ति आने के बाद भी वंचित रहता। जब तक उस प्रसाद को पाने योग्य हम नहीं। भगवान शंकर ने मानस की रचना करी और रामायण रामायण सतकोटि एक नहीं है, करोड़ों रामायण और सब रामायण भगवान शंकर के हृदय। भगवान शंकर के हृदय में मानस का प्रादुर्भाव सबसे पहले। बाबा तुलसी तो बाद में कलियुग में आकर के मानस की रचना, वाल्मीकि जी महाराज ने रामायण की रचना करी, वाल्मीकि जी ने लिखा रामायण। राम माने होता है भगवान, श्री राम अयन माने होता है घर, श्री राम जी का जो घर है उसका नाम है रामायण। श्री राम चरितमानस की जय। और तुलसीदास ने लिखा राम चरित मानस, जिस चरित्र को सुनने के बाद अपना मानस पटल शुद्ध हो जाए, जिस कथा को सुनने के बाद अपना अंतःकरण शुद्ध हो जाए। नौमी भौम वार मधुमासा बोला कहां पर इस रचना करी भगवान शंकर ने तुलसीदास जी महाराज ने, और बोला कब करी? संवत
संबत 1600 करम कथा हरि पर धरिसीसा। संबत 1631 में तुलसीदास जी महाराज ने मानस की रचना कर और जिस दिन मानस को लिखना शुरू किया महाराज, नौमी भौम वार मधुमास, नौमी तिथि थी, मंगलवार का दिन था, चैत्र का महीना था, ठीक यही समय चल रहा था जब बाबा तुलसी ने मानस की रचना कर। जब बाबा तुलसी ने मानस की रचना करी, सबसे पहले 7 श्लोकों में वंदना करी है, 7 श्लोकों में वंदना करी। प्रथम श्लोक रामचरितमानस, वर्णानाम अर्थ संघां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणि विनायक। सबसे पहले बाबा तुलसी ने वर्णानाम अर्थ संघां, सभी वर्णों की छंदों की अर्थों की प्रार्थना कर, मानस के अंदर जितने भी रस हैं, हास्य रस, करुण रस, शांत रस, रौद्र रस, वीर रस, सभी रसों की वंदना करी बाबा तुलसी ने, सभी वर्णों की वंदना कर। इसलिए रामचरित मानस एक एक श्लोक महाराज सिद्ध मंत्र है। प्रसानां छन्दसामपि छंदों की प्रार्थना करें और मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको, वाणी और विनायक की वंदना करें, वंदे वाणी विनायक, वाणीमयी भगवती परम मनोहारिणी सरस्वती और विनायकमयी भगवान गणेश। तो किसी ने बाबा तुलसी से पूछा, बोला बाबा आपने वाणी की वंदना पहले कर दी और विनायक की वंदना बाद में क्यों करी भगवान गणेश? हम कोई भी पूजा करते हैं सबसे पहले भगवान गणेश का नाम लेते, लेकिन आपने सबसे पहले मां वाणी की वंदना करके, रसों की छंदों की वंदना करके, मां वाणी की वंदना करी, करी सरस्वती की वंदना क्यों करी? तो बाबा ने कहा अगर वाणी के द्वारा भगवान की स्तुति नहीं कर पाएंगे तो बुद्धि भी अपने अपना साथ नहीं देने वाली। बुद्धि तो है लेकिन अगर बुद्धि के साथ में ज्ञान नहीं है तो उस बुद्धि का सदुपयोग व्यक्ति सही तरह से नहीं कर सकता। क्योंकि अगर वाणी पर परम मनोहारिणी सरस्वती है और भगवान विघ्न विघ्नेश्वर की कृपा है तभी बाबा तुलसी मानस को लिख पाए। पूर्व काल में जब बाबा तुलसी ने मानस की रचना करी तो विद्वानों ने आपस में बड़ा झगड़ा हो गया, सबने कहा भाई बाबा तुलसी के मानस को आप इतने प्रधानता देते, अरे रामायण सतकोटि अपार करोड़ों करोड़ों रामायण है, आप वाल्मीकि जी की रामायण ले लो ना, आप कंबू रामायण ले लो, आप आध्यात्म रामायण ले लो, आदि आदि कई रामायण आप उनको ले, बाबा तुलसी के रामायण को इतनी प्रधानता क्यों देते हैं आप? बाबा तुलसी ने कभी ये नहीं सोचा कि इस मानस से मेरा नाम, मेरा यश, नाम जगत में कीर्ति फैले,
लेकिन सब ने कहा भाई बाबा तुलसी ने जो रामायण लिखी है वो इतने सरल और सुगम है कि सबके हृदय में एक क्षण आ जाती है। छोटा सा बच्चा भी अगर चौपाई को सुनेगा वो भी कुछ ना कुछ उसका अर्थ निकाल ही लेता है। श्री सीताराम जी भगवान की। तो बाबा तुलसी ने सबसे पहले जब वाणी की वंदना करी, आइए हम लोग भी दो मिनट नवरात्रि का पावन पर्व है तो माँ भगवती के नाम से राम कथा की शुरुआत करते हैं। आप लोग प्रेम से ताली बजाना, आनंद के साथ में भाव विभोर होकर के भगवती को और भगवान को मनाते हैं। जन्म जन्म का दास हूँ हे माता तुम्हारा, हे माता तुम्हारा। जन्म जन्म का दास हूँ हे माता तुम्हारा, हे माता तुम्हारा। प्रेम से तालियों से अपने हृदय में माँ भगवती का दर्शन करो, अपने हृदय में अपने आराध्य अपने इष्ट सीताराम जी का दर्शन करो। ये सोचो कि हम भगवान के पास बैठ करके भगवान की कथा को श्रवण कर रहे हैं। जन्म जन्म का दास हूँ हे माता तुम्हारा, हे माता तुम्हारा। बाबा तुलसी भी यही वंदना कर रहे हैं। जन्म जन्म का दास हूँ हे माता तुम्हारा, हे माता तुम्हारा। दर्शन मुझको दे के मैया कर उपकार हमारा, जन्म जन्म का दास हूँ हे माता तुम्हारा, हे माता तुम्हारा। जन्म जन्म का दास हूँ हे माता तुम्हारा, हे माता तुम्हारा। मैया से रवाली कितनी भोली भाली, मैया से रवाली कितनी भोली भाली। आई जो सवारी जाए ना कभी खाली, आई जो सवारी जाए ना कभी खाली। पूर्ण भरा रहता है मैया यह तेरा भंडारा, जन्म जन्म का दास हूँ हे माता तुम्हारा, हे मैया तुम्हारा। जन्म जन्म का दास हूँ हे माता तुम्हारा, हे मैया तुम्हारा। श्रद्धा ले कर आया सुनेगी मात भवानी, श्रद्धा ले कर आया सुनेगी मात भवानी। दर्शन मुझको दे दो दुर्गी मात भवानी, दर्शन मुझको दे दो दुर्गी मात भवानी। दर्शन मुझको दे के मैया कर उद्धार हमारा, जन्म जन्म का दास हूँ हे माता तुम्हारा, हे माता तुम्हारा। जन्म जन्म का दास हूँ हे माता तुम्हारा, हे माता तुम्हारा। दर्शन मुझको दे के मैया कर उपकार हमारा, दर्शन मुझको दे के मैया कर उद्धार हमारा। जन्म जन्म का दास हूँ हे माता तुम्हारा, हे माता तुम्हारा। जन्म जन्म का दास हूँ
सभी विद्वानों के मन में विचार आया, अच्छा ऐसा करते हैं, हम बाबा महाकाल के सामने बैठे हुए हैं, बोलो शंकर भगवान की। बाबा महाकाल के सामने हम बैठे हुए हैं, ऐसा करते हैं, जितने भी रामायण हैं, सभी रामायण को भगवान शंकर के द्वार में भवन में रख देते। शाम का समय था, बाबा विश्वनाथ के पास सभी विद्वान गए काशी में और सभी रामायणों को एकत्रित करके एक के ऊपर एक ऐसे करके सभी रामायणों को रख दिया गया भगवान शंकर की तरफ। तुलसीदास जी महाराज की जो रामचरित मानस की सबसे नीचे उस पर रख दिया। सबने कहा, विद्वानों ने कहा, भाई तुलसीदास जी के रामायण में कुछ संस्कृत नहीं है। अनेक अनेक बातें विद्वानों ने कही। भगवान शंकर के चरणों में सभी रामायणों को रख के बाबा तुलसी ने भगवान शंकर से वंदना करी, प्रार्थना करी, हाथ जोड़ करके पुजारी जी ने पट मंगल करे भगवान के। सभी विद्वान पूरी रात्रि भगवान शंकर के प्रांगण में बैठे रहे। ब्रह्म वेला में कपाट खुलता है, सबने कहा चलो भाई रामायण के दर्शन करते हैं, भगवान शंकर निर्णय करेंगे, हे प्रभु जो सबसे श्रेष्ठ रामायण हो उसको आप हमें उस पे अपना इशारा दिखाएं। और जब सभी विद्वान अंदर गए, अंदर जाकर के जब रामायण को देखा एक करके, सभी विद्वान आश्चर्यचकित हो गए। जितनी जितनी रामायण थी, जिस श्लोकों से, भावों से, अर्थों से, वो सब रामायण नीचे और बाबा तुलसीदास जी की रामायण सबसे ऊपर, रामचरितमानस। तुलसीदास जी महाराज की जय। बाबा तुलसी ने वंदन किया और यहाँ ही नहीं, केवल रामायण को सबसे ऊपर रख करके भगवान शंकर ने अपने सिग्नेचर भी इसे कर दिए। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। भगवान शंकर ने इस मानस के प्रथम पृष्ठ पर लिख दिया सत्यम शिवम सुंदरम, माने ये रामायण परम सत्य है और कलयुग केवल नाम आधारा। सुमिर सुमिर नर उतरई पारा, सुमिर सुमिर नर उतरई पारा। कलयुग केवल नाम आधारा। इस कलयुग में बाबा तुलसी की रामायण को पढ़ने से आत्म कल्याण हो जाएगा, भगवान शंकर में सिग्नेचर करो। भगवान शंकर ने अपने साइन कर दिए, जाओ ये रामायण सबसे उत्कृष्ट है। दूसरे श्लोक में भगवान शंकर की वंदना बाबा तुलसी ने करी, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूप याप्या विना पश्यन्ति सिद्धा स्वामता स्वमेश्वरम। भवानी और शंकर की वंदना करी, क्यों? भगवान शंकर भगवान शंकर श्रद्धा विश्वास रूप, विश्वास के प्रतीक है और भगवती भवानी श्रद्धा का प्रतीक है। तुलसीदास ने इशारा किया कि जिसके जीवन में श्रद्धा नहीं है महाराज,
हम लोग कथा तो सुनते हैं, अगर मन में श्रद्धा नहीं है, अगर मन में भाव नहीं है, तो कथा कभी हमारे श्रवण रंध्रों से हृदय में जाने वाली नहीं। इसलिए भाव सहित जे यह कथा करहि श्रवण कोटि पार। भाव के साथ में, प्रेम के साथ में, करुणा के साथ में इस श्रद्धा को अपने हृदय में धारण करें। श्रद्धा में मां भगवती का स्वरूप श्रद्धा बताया गया है, श्रद्धा विश्वास रूप। भगवती भवानी श्रद्धा का स्वरूप है। जो भगवती की उपासना करता है, आराधना करता है, पूजा करता है इस नवरात्र के दिनों में, उसके जीवन में श्रद्धा पैदा हो जाती है। हम लोग घर में अपने बुजुर्गों की सेवा करते हैं, परिवार की सेवा तो करते हैं, लेकिन अगर मन में श्रद्धा भाव से नहीं करते ना, हम कितनी भी सेवा करें परिवार का, वो नगण्य हो जाता है। आखिर में व्यक्ति यही बोलता है, तुमने क्या किया, तुमने क्या किया मेरे लिए, कुछ नहीं। तो श्रद्धा विश्वास रूप, जब जीवन में श्रद्धा है ये ना महाराज, जब जीवन में श्रद्धा आएगी तो विश्वास अपने आप हमारे जीवन में आएगा। बाबा तुलसी ने जब मानस की रचना करी ना, तो मानस की रचना में भगवान बाबा तुलसी ने अपने हृदय में श्रद्धा और विश्वास को पहले प्रबल किया। हम लोग नौ दिनों तक कथा सुनेंगे, अपने हृदय में श्रद्धा और विश्वास को बनाए रखें, अपने मन में श्रद्धा का भाव जागृत करें। हे प्रभु, ये महामारी भी आपकी इच्छा से है, अगर दुनिया में आ रहा है सुख और दुख, सृष्टि आपने बनाई है। एक बात आपको बताते महाराज, 84 लाख योनियों में ये जो कोरोना नाम का वायरस है ना, ये भगवान की सृष्टि में ही है, ये भी परमात्मा की सृष्टि से ही तो उद्धृत है। हर जीव परमात्मा की सृष्टि से अवृत्त है। बाबा तुलसीदास जी महाराज ने श्रद्धा और विश्वास को अपने मन में बैठा लिया। इसे दूसरे श्लोक में वंदना है श्रद्धा विश्वास की, और फिर तीसरे श्लोक में अपने गुरु और भगवान शंकर की वंदना करें। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर। हम लोग भी अपने हृदय में इसी प्रकार से भगवान को अपनी भावनाओं को बनाते रहे हैं। हम मानस को श्रवण करने जा रहे हैं नौ दिनों तक, हम अपने मन में बनाएं कि हमने रस की, छंदों की, शब्दों की प्रार्थना करके, भगवान शंकर भगवती की उपासना करके और अपने सतगुरु भगवान का वंदन कर रहे हैं। कृपा स्वरूप श्री गुरुदेव, कृपा स्वरूप श्री गुरुदेव, ममता स्वरूप वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकररूपिणो यमाश्रितो हि वक्त्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। सद्गुरु भगवान शंकर की प्रार्थना करें, हे प्रभु, चंद्रमा को पतित होने के बाद भी आपने उठा करके अपने मस्तिष्क पर धारण कर दिया,
जिस चंद्रमा को कोई देखने को तैयार नहीं था, आज उस चंद्रमा को आपने अपने मस्तिष्क पर रख करके पूरा जगत उसकी वंदना कर रहा है। जिसको दुनिया ने पतित कर दिया हो, अगर बाबा, अगर भगवान, अगर प्रभु श्री राम अपने हृदय में उसको अगर धारण कर दे, उसको अगर दुनिया से उठा करके उसको जीवन जीना सिखा दे, उसके ऊपर कृपा कर, तो जगत उसकी वंदना करता है। चंद्रमा को कोई पूछता नहीं था, लेकिन भगवान शंकर ने उसको मस्तिष्क पर धारण करके उसको पूजनीय हो गया। सदगुरु भगवान भी ऐसे ही है। दुनिया कितना भी ठुकरा दे महाराज, परिवार कितना भी तिरस्कृत कर दे, घर परिवार में कितना ही अपमानित हो जाए, भगवान अगर उसको अपना देते हैं तो दुनिया का तिरस्कार उसके कोई काम का नहीं है। चौथे श्लोक में सीताराम जी की वंदना करें। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहार वंदे विशुद्ध विज्ञान कवीश्वर कपीश्वर। कपीश्वर वाल्मीकि जी की वंदना करी यहाँ पर, और कपीश्वर हनुमान जी की वंदना करी, और सीताराम जी की वंदना करी एक साथ, और उसके बाद मां जानकी की वंदना। उद्धव स्थिति संहार कारणं क्लेश हारं सर्वश्रेयस्करीं सीता नतोऽहं मां जानकी की वंदना करें। हे मां, अगर तुम्हारी करुणा जगत पर है तो जगत डूबते हुए भी बच जाता है, जगत डूबते डूबते भी बच जाएगा अगर आपकी करुणा और अगर आपकी कृपा है तो। शिष्य स्थिति विनाशानां शक्ति भूते सनातने गुणश्रये गुणमये नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। दुर्गा सप्तशती में एक मंत्र आता है, नश्यन्ति व्याधया सर्वे लूता विस्फोटकादया स्थावरं जंगमं तुलसी भगवती की वंदना करते मां जानकी की वंदना, नश्यन्ति व्याधया सर्वे। सप्तशती में मंत्र आया, श्लोक आया, मां भगवती सभी प्रकार के उपद्रवों को शांत करने में सक्षम है, चाहे वो स्थावर रूपी कष्ट हो, चाहे वो दैहिक कष्ट हो, चाहे वो दैविक कष्ट हो, चाहे वो भौतिक कष्ट हो, संसार में जो दिख रहा है वायरस से पूरी दुनिया परेशान है। हम आपको एक बात बताते महाराज, अपने जीवन में एक चौपाई को आप नित्य प्रति रटन करो, एक चौपाई को नित्य प्रति उसका रटन करो, उसका पठन करो, उसको पढ़ो। हम आपको गारंटी के साथ कह सकते हैं कभी किसी प्रकार का उपद्रव आपको किसी प्रकार से भ्रमित नहीं कर सकता, परेशान नहीं कर सकता, दुखी नहीं कर सकता। बहुत सरल चौपाई है, सब जानते हैं, सब गाते हैं, लेकिन आज हमारे साथ में आप गाएंगे। मंगल भवन अमंगल हारी मंगल, सभी लोग गाना है सुबह उठते हुए।
पुरुष हैं जो नहीं उठ पाते, अपने बेड में ही पड़े रहते हैं, ये मत सोचें कि अपने स्नान नहीं किया तो नहीं गाए, बैठ करके अपनी विश्राम की चौपाई को आप 11 बार कर लें, केवल 11 बार, 11 टाइम सुबह और 11 टाइम शाम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवह सुदशरथ अजर विहारी। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवह सुदशरथ अजर बिहारी, द्रवह सुदशरथ अजर बिहारी। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवह सुदशरथ अजर बिहारी, द्रवह सुदशरथ अजर बिहारी। इस चौपाई का आप गान करें शाम को सोने से पहले और सुबह उठने के तुरंत उठने से पहले, धरती पर पांव रखने से पहले इस चौपाई का गान करें। जीवन में कभी अमंगल हो ही नहीं सकता, जीवन में कभी कोरोना वायरस को छोड़ बड़ी बड़ी व्याधियों का भी कभी जीवन में प्रवेश नहीं हो सकता। हम लोगों ने बहुत बार देखा होगा पूरे जीवन के बड़े व्यक्ति अच्छे से निकालता है, लेकिन वृद्धावस्था में कोई ऐसी व्याधि उसको घेर जाती है, वो बड़ा परेशान हो जाता, वो कभी उस व्याधि से निकल ही नहीं पाता, उस व्याधि के साथ में उसका संसार से चल बसता। मास की हर चौपाई एक सिद्ध मंत्र है महाराज, हम लोग इस चौपाई को नित्य प्रति गाएंगे, सबके लिए सुलभ है सरल है। उसके बाद बाबा तुलसी जी ने भगवान सीताराम की वंदना करी और फिर पुराण की वंदना करी, नाना पुराण निगमान सम्मिलित, सात श्लोकों में वंदना करी। बोला सात ही श्लोकों में क्यों करी? क्योंकि बोला जीवन के भी सात ही बार है, जीवन के भी सात ही दिन है हमारा, मंडे से लेकर के और संडे तक सात ही बार है, सात बारों में ही व्यक्ति का जन्म होता है, सात बारों में ही उसका विवाह होता है, उसकी संतान होती है, उसका जीवन चलता है, एक दिन उसका प्राणांत भी सात बारों में ही भीतर होता है। इसमें जीवन में सात अंक का बहुत बड़ा महत्व है। अपने जीवन में कभी अगर कुछ नियम लेना हो, कोई नियम लेना हो, हम आपको ये कभी नहीं कहेंगे कि आप ये कहीं नहीं कहेंगे कि आप फल छोड़ो, या आपने एक फल छोड़ दिया, या आपने एक एक प्रकार की सब्जी छोड़ दी तो आपकी आराधना बढ़ रही है। उससे कभी आराधना बढ़ती नहीं है महाराज, हम जब तीर्थ में जाते हैं ना, तीर्थ में जाकर के काम को त्यागना चाहिए, हम जब भगवान के सामने होते हैं ना तो मोह को त्यागना चाहिए, लोभ को त्यागना चाहिए, काम क्रोध मद लोभ सब नाद नरक के पंच, ये सब प्रगति में बाधा है। तो बाबा तुलसी ने पुराण की वंदना करी और उसके बाद पांच श्लोकों में जो सुमृत सिद्धि हो पंचनाम देवताओं की वंदना करी,
और उसके बाद सदगुरु भगवान की वंदना। काम हो रहा मेरा आपकी
दया से सब काम हो रहा है। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। किस चीज की भी मुझको दरकार भी नहीं है। किस चीज की भी मुझको दरकार भी नहीं है। तेरे साथ ये गुलाम अब सरकार हो रहा। तेरे साथ ये गुलाम अब सरकार हो रहा। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा। मैं तो नहीं हूं काबिल तेरा पार कैसे पाऊं। मैं तो नहीं हूं काबिल तेरा पार कैसे पाऊं। टूटी हुई बाणी से गुणगान कैसे गाऊं। टूटी हुई बाणी से गुणगान कैसे गाऊं। तेरी प्रेरणा से भगवन ये कमाल हो रहा। भगवन ये कमाल हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो मेरे राघव मेरा नाम हो रहा है। करते हो मेरे राघव मेरा नाम हो रहा है। दया से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम सीता राम 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 सीता राम राम सीता राम 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 सीता राम राम। हाथ उठा करके प्रेम से गाएंगे सीता राम 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 सीता राम राम सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम सीता राम 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 राम राम। श्री सीताराम भगवान की जय। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयाग। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयाग। तिनहि राम पद अनुराग। भरद्वाज मुनि भरद्वाज मुनि बसहि प्रयाग। प्रयाग प्रयाग
भरद्वाज मुनि बसहि प्रयाग तिनहि राम पद अति अनुराग। श्री भरद्वाज जी महाराज की, श्री सीताराम जी भगवान की जय। जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे। अब यहां से राम कथा आरंभ होती है। भरद्वाज जी महाराज प्रयाग में निवास करते हैं और भगवान का वंदन, भगवान का चिंतन, भगवान का भजन रोज करते हैं। लेकिन तिनहि राम पद अति अनुराग, अनुराग है महाराज भगवान से। तिनहि राम पद, राम के चरण भक्तों के लिए भगवान के चरण होते, भक्तों के लिए भगवान के चरण वंदना होती है। इसलिए बाबा तुलसी ने चरण शब्द प्रयोग, पद शब्द प्रयोग किया, क्योंकि चरणों में भक्तों का प्रेम होता है भगवान। प्रयाग में रहते भगवान सीताराम जी से अनन्य प्रेम है, रोज अहर दृश्य भगवान का वंदन चिंतन मंत्र जाप करते। माघ का महीना आया, संत महात्मा माघ मकर गत रवि जब हो, इस चौपाई को पूरा गा लेते हैं। आप लोग प्रेम से गाएंगे। माघ मकर गत रवि जब होए, तीर्थ पति ने आनी सब कोई, देव धनुज किन्नर नरसेनी, सादर मचहि सकल त्रिवेणी, पूजहि माधव पद जल जा, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। ओ भरद्वाज आश्रम अति पावन, परम रम्य मुनि वर मन भावन, परम रम्य मुनि वर मन समाजा, जाइ जि मजन तीरथ राजा, मजहि प्रात समेत उचार, कहि परस पर हरि गुण गाए, ओ जाक्य बलक मुनि परम एक बार भरी मकर नाय। भरद्वाज मुनि भगवान की उपासना करते प्रयागराज में, जहां गंगा जमुना और सरस्वती का संगम है। प्रयागराज में महाराज पूजन जप तप पाठ करने का अनंत गुना फल है, करोड़ों करोड़ों गुना फल है। हम लोग भी जब जाते हैं ना यात्रा में, भारत देश में प्रयागराज जाना चाहिए, पिंडदान आदि कर्म करना चाहिए, अपने पिताओं के उद्धार के लिए गंगा जमुना सरस्वती के चरणों। भगवती सरस्वती प्रयागराज में लुप्त है, दर्शन नहीं होता है। बद्रीनाथ जी के पास में माना गांव है, वहां के पास भीमपुर में वहां पर सरस्वती गंगा का उद्गम स्थल है। जब कभी यात्रा जाओ चार धाम की बद्रीनाथ जी की, तो वहां से आगे एक माना गांव है, भारत का आखिरी गांव है, उससे ऊपर फिर वसोधारा और आगे आगे स्वर्गारोहणी फिर लग जाता है। तो माना गांव से थोड़ा आगे जाकर के भीमपुर, भीम जी महाराज ने गोपुर शिला वार की, तो वहां पर शुक्र वर्ण में भगवती परम मनोहर
में सरस्वती प्रकट है। बोल सरस्वती माता की जयकारा जरूर लगा। वंदे वाणी विनायक, सरस्वती के बिना जीवन कुछ है ही शून्य है हमारा। विद्या नहीं है, ज्ञान नहीं है, बुद्धि नहीं है, शक्ति कितने भी है वो निष्फल है, निष्पक्ष है, निस्वार्थ है, किसी काम के नहीं। वहां सरस्वती गंगा का उद्गम स्थल है, लेकिन प्रयागराज में आकर के माघ मकर गत रवि जब हो, उसी प्रयागराज में माघ का महीना आया हुआ है, सरस्वती गंगा दिखती नहीं है, गंगा और जमुना वहां दर्शन है दोनों का, सरस्वती मैया लुप्त है। एक भक्त एक बार अपने पितरों का पिंडदान कराने के लिए मांग रहे, आप पिंडदान कराने के लिए गए, ध्यान से पिंडदान कराने के लिए गए, वो पंडा को ढूंढा वहां पर, अब चारों तरफ खोजे तो कहीं पंडा ही नहीं दिखे। अब भक्त जोर से चिल्लाए, बोला पंडा कहीं पंडा है महाराज, आ जाओ, पंडा है तो आ जाओ पिंडदान करना। दौड़ दौड़ आया, बोला हाँ हम हैं, बोलो। बोले मेरे पितरों का उद्धार के लिए पिंडदान करा, वो पंडा भी महाराज ऐसे बेचारे नाम का ही पंडा। बोलो जय श्री राम, जय जवान जी, हाथ में पिंड लो और जल लेकर के संकल्प करो और मुंह के अंदर कुछ बोल दे, बोल करके बोला पिंड को जल में छोड़ दे, क्षण निकाल। बोला महाराज को संकल्प हुआ कि नहीं? बोला हाँ हो गया। बोला मैंने तो कुछ सुना ही नहीं। बोला फिर से ठीक है आप जल फिर पिंड दे, फिर पिंड लिया हाथ में संकल्प किया, फिर बोलने लगा मंत्र मुंह के अंदर गुनगुन गुनगुन होता कि बोला पिंड छोड़ दो, हो गया संकल्प। ध्यान से सुने, यजमान को भाया गुस्सा, यजमान ने कहा भाई पंडा कुछ ज्ञानवान है भी कि नहीं, सरस्वती की कृपा कुछ है कि नहीं। बोले महाराज क्या बताएं, जहां सरस्वती ही दुख हो वहां सरस्वती की कैसी कामना करते, सरस्वती मैया तो प्रयागराज लुप्त है। तो बोला आप यहां पर ज्ञानवान की कामना न करें, लेकिन आपको बता दें लक्ष्मण विद्वान का घर है श्री सीताराम जी भगवान। कहने का अर्थ है कि जब कभी भी कोई पूजन कराओ, अनुष्ठान कराओ, यज्ञ कराओ, तीर्थों पे जाओ, विद्वान आचार्य के हाथ से ही कराओ। दान लेने का और देने का अंत होना फल है। तो प्रसंग चल रहा था कि भारद्वाज मुनि अपने आश्रम में विराजमान है, गंगा स्नान करने के लिए याज्ञवल्क्य महाराज आए, याज्ञवल्क्य मुनि को प्रणाम किया भारद्वाज जी ने, महाराज आपके दर्शन से तो जीवन धन्य हो गए। आप सोचा कि अगर प्रश्न ऐसे करता हूं तो प्रभु राम कथा सुनाओ, तो राम कथा सुनाएंगे नहीं, ऐसे प्रश्न करे, इस तरह से पूछा प्रभु एक राम अवधेश कुमार तिन कर चरित विदित संसार। हे प्रभु एक राम तो वह है जो दशरथ जी के पुत्र हैं मां कौशल्या के कोख से प्रकट होकर के, तो एक राम अवधेश कुमार, एक राम कौन सा राम है मेरे मन में संशय, नाथ एक संशय भर मोरे, बड़ा संशय है महाराज मेरे संशय का समाधान करें। या केवल कहीं समझ गए कि शिष्य भी गुरु की परीक्षा ले रहा है, प्रसन्न होकर के बैठो। बोला कहा बैठो, तात सुनम सादर मनुलाई और कहूं राम के कथा सुहाई। बैठ करके सुनो, आसन लगा करके सुनो, जैसे आप लोग सुन रहे हैं। अपने आसन में एकांत चित्त बैठ करके भगवान की कथा को श्रवण करो, नजर अपने भगवान पर रखो, श्रवण कथा पर, कान को भगवान की कथा पर। तो बाबा तुलसी बड़ी सुंदर चौपाई लिखते हैं, याज्ञवल्क्य जी महाराज कथा सुनाते भारद्वाज जी को,
संक्षिप्त में समझ रहे कि पूरी कथा भगवती
ने नहीं सुनी और भगवान शंकर ने सुनकर के जब लौट पड़ी तो जब गए थे तो संग साथी जग जननी भवानी, जगत की भवानी साथ में गई थी। आज जब वापस आई चले संग दक्ष कुमार, दक्ष कुमार शब्द बाबा तुलसी ने प्रयोग किया। क्यों? जिन हरि कथा सुनहि नहि कान, श्रवण रंद्र अहि भवन समान। क्योंकि भाई जिसने हरि की कथा नहीं सुनी, भगवान की कथा नहीं सुनी, उसके कान सांप के बिल के समान है। तो भगवती भवानी को उसे दक्ष कुमारी प्रयोग किया। कैलाश के रास्ते में जाते हुए भगवान श्री राम का दर्शन हुआ, भगवान शंकर साई किनारे हो गए, भगवती ने परीक्षा लेनी चाहिए। प्रसंग आप सभी जानते हैं, परीक्षा ली, भगवान सीताराम जी ने प्रणाम कहा भयो वृष के तो प्रणाम करके वापस भेजा। जब भगवान शंकर ने पूछा तो कह दिया कि मुझे मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। तब शंकर देखो डर ध्याना, तब भगवान शंकर ने ध्यान धरा और ध्यान धर करके समझ लिया, हृदय से त्याग कर दिया मां भगवती भवानी का, हृदय से त्याग कर दिया। जानकी मेरी मां जानकी मेरे आराध्य का ध्यान सती में रख दिया, आज से सती मेरे लिए मां हुई, इस शरीर से अब इस जन्म में सती से भेंट नहीं होगी। भगवान ने मां भगवती सती को अंतर मन से त्याग दिया, कैलाश पर्वत में गए, लगी समाधि अखंड अपार। 88,000 वर्ष की समाधि में भगवान शंकर चले गए। बोल शंकर भगवान की, भगवती देख रही आगे उठेंगे तभी उठेंगे, लेकिन 88 वर्ष निकल 88,000 वर्ष हो। आज कथा को यही विराम करेंगे, भगवान शंकर को समाधि में विराजमान करके। अब माँ भगवती भगवान शंकर की आरती उतारती है, प्रभु जो भूल हुई है उसका प्रायश्चित करो। लेकिन भगवान शंकर ध्यान में मग्न हैं। आगे का कथा का प्रसंग यहाँ से आगे हम ठीक 7:30 बजे कल शुरू करेंगे। जितने भी भाई हैं, बहन हैं, माताएं हैं, बुजुर्ग हैं, आप सभी को श्री सीताराम जी की तरफ से मैं वंदन करता हूँ। राम जी की कृपा आप सभी को मिले, हम दोनों ब्राह्मण आप सभी को राम जी का कृपा पात्र कृपा आशीर्वाद मिले, इस महादुख से भगवान आप सभी को सुरक्षित रखे। एवरी डे ठीक 7:30 बजे 7:20 मिनट पर यहाँ पर 55 पूजा हमारी महाराष्ट्री करेंगे, उसके बाद 7:30 से कथा होगी। अब राम कथा यहाँ से शुरू होगी, कल यहाँ से कथा, आज थोड़ा विराम हो गया, कल 8:45 पे पूरा विराम होगा कि आरती होगी, क्योंकि वही नियम है भगवान का, पहला नियम है फिर नियम के अनुसार कार्य करेंगे। अब हम भगवान की आरती करते हैं, आप लोग भी अपनी आरती को प्रकट कर लें, अपने परिवार बच्चों के साथ में खड़े होकर के सीताराम जी की आरती उतारते। श्री सीताराम जी भगवान की जय। चंद्रमा मनजो जातश्चक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखा अजायत कलयी गर्भसम्भूतं कर्पूरेण प्रदीपितं आरात्रिज्यमनं कुरु मे पश्य मे वरदो भव। आरती श्रीरामायण जी की कीर्ति करित करित सियपी, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीक विज्ञान विशारद, सुख सनकादि शेष अरुसार परि पवन सुत कीर्ति की। आरती गावत वेद पुराण अस्त्र रस छह शास्त्र सब ग्रंथन को रस मुनि जन धन संतन को सर्वस सार अंश संवत सभी
और भी कोई विशेष सूचना होगी तो हम फेसबुक के माध्यम से आपसे शेयर करेंगे। हम सब आप सब तो हमको देख रहे हैं पर हमारे भी मन में इच्छा है कि आपके घर के प्रभु का दर्शन करें। तो आपका जो घर का वेदी है जहाँ पर आज आप पूजा किए हैं या आने वाले दिनों में करेंगे उसका एक फोटो खींचकर हमारे राम मंदिर फेसबुक में मैसेज करें, फिर हम सब फोटो को साथ में शेयर करेंगे और इससे सबको प्रेरणा मिलेगी कि भले आना जाना मना है पर लोग हाउसों लेवल पर प्रभु श्री राम का सुयश श्रवण कर रहे हैं। सभी को धन्यवाद, सबका मंगल हो, ऐसी पावन कामना। ओम शांति।